शिवाय दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि का अक्टूबर और नवंबर 2020 के यह दो महीने कैसे जाने वाले हैं। इन दो महीनों में आपको कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में चुनौतियों का और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में दिया गया राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर आधारित है और ग्रहों में गोचरी व्यवस्था के आधार पर ही आधारित है। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं, जैसे कन्या राशि के कैरियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कन्या राशि के लिए कुछ खास उपाय जो इन दोनों महीने को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं राशिफल, लेकिन उससे पूर्व यह देख लेते हैं इन दोनों महीनों में ग्रह स्थिति कैसे रहने वाली है। देखिए, शनिदेव मकर राशि में रहने वाले हैं, राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में दोनों महीनों में रहने वाले हैं और वक्री अवस्था में राहु केतु रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति धनु राशि में रहेंगे। सूर्यदेव 1 से 16 अक्टूबर 2020 तक कन्या राशि में रहने वाले हैं और 17 अक्टूबर 2020 को तुला राशि में जाएंगे और यहाँ पर 17 नवंबर 2020 तक रहेंगे। 1 अक्टूबर 2020 को मंगल मेष राशि में रहेंगे और 4 अक्टूबर से मीन राशि में चले जाएंगे और वक्री अवस्था में रहेंगे। इस पूरे महीने बुध तुला राशि में, 14 अक्टूबर से तुला राशि में बुध वक्री अवस्था में हो जाएंगे। ग्रहों के इन बदलाव से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा बदलाव होगा, आइए जानने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों महीनों में कैरियर और व्यावसायिक जीवन में कैसे स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। तो देखिए, राहु आपके नवम हाउस में रहने वाले हैं, शनिदेव पंचम हाउस में रहेंगे और केतु थर्ड हाउस में रहेंगे। इन दोनों महीनों में यह ग्रह ऐसे रहने वाले हैं। कैरियर के लिहाज से अगर कहा जाए तो यह महीना काफ़ी शानदार ये दोनों महीने आपके लिए रहने वाले हैं। कैरियर की दिशा में महीने की शुरुआत से ही लेकर आपको मेहनत की जो रफ्तार है, यदि आप तीव्र रखते हैं तो आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल होती हुई नजर आएगी। इस समयावधि में अक्टूबर की शुरुआत में ही आपका रुका हुआ कार्य कैरियर की दिशा में पूरा होता हुआ नजर आएगा। यदि आप व्यापारी हैं और नए विचार के साथ जीवन में आगे बढ़ने पर विश्वास रखते हैं तो उसमें आपको सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्ति की पूर्ण रूपेण संभावना दिखाई दे रही है। कन्या राशि वाले जातकों का अक्टूबर और नवम्बर के महीने में कैरियर के लिहाज से मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। इससे जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। इस महीने आपको धन, यश और सम्मान तीनों की प्राप्ति काफी ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। कैरियर में आपके भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी की दिशा में आपका व्यवहार लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करेगा, इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। यदि आप नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इसके लिए समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि आपके राशि पर कैरियर और व्यावसायिक जीवन में किसी भी प्रकार के अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस श्रेणी में श्रेष्ठ उपलब्धि आपको प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। इस समयावधि में, इस दोनों महीनों में जो कन्या राशि के जातक हैं, सरकारी कार्यों में यदि आप संलग्न हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्ति की पूर्ण रूपेण संभावना दिखाई दे रही है। शनिदेव का पंचम भाव में होने से पदोन्नति की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर कहा जाए सभी क्षेत्रों में स्थितियां अनुकूल हैं। साथ में यदि आप तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, शिक्षा क्षेत्र से हैं, राजनीति के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो कैरियर को संभालने का और उच्च श्रेणी पर जाने का मौका आपको प्राप्त होता हुआ इन दोनों महीनों में नजर आएगा। नौकरी की दिशा में यदि आप प्रयत्नरत हैं तो आपको जीवन में अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे और जीवन में अच्छी संभावनाओं का निर्वहन होगा, अच्छी संभावनाएं आपको देखने के लिए मिलेगी। नई अपॉर्चुनिटीज की प्राप्ति हो सकती है जिससे आप जीवन में सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचेंगे। राहु की स्थिति कुंडली पर श्रेष्ठ होने से आमदनी के सोर्स में वृद्धि होगी। वहीं विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं तो विदेश में स्थितियां काफ़ी श्रेष्ठ और सुखद बनेगी। विदेश से लाभ होगा, धन लाभ की संभावना बनेगी और विदेश में यदि आप सेटल्ड होना चाहते हैं तो इसके लिए स्थितियां काफ़ी श्रेष्ठ और शुभ रहने वाली है। नवंबर के महीने में मानसिक तनाव में वृद्धि कार्यों के ज़्यादा दबाव होने के कारण उत्पन्न हो सकती है, इसलिए कार्यों को थोड़ा थोड़ा करके निपटाना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा।
स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य की दिशा में स्थितियां ठीक रहने वाली है। शनिदेव पंचम भाव में होने से स्वास्थ्य में यदि पुराने समय से किसी भी प्रकार का सामना करना पड़ रहा था, गंभीर समस्या का सामना यदि आपको करना पड़ रहा था, तो उससे आपको निजात जरूर देखने के लिए मिलेगी। स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण फिट बनाए रखने के लिए रोजाना टहलना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। सूर्योदय से पूर्व यदि आप सोकर उठ जाते हैं और योगाभ्यास योग ध्यान प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में ऐड करते हैं तो स्थितियां स्वास्थ्य की दिशा में काफ़ी श्रेष्ठ और शुभ रहने वाली है। स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूप में ठीक रहेगा। तो कुल मिलाकर दोनों महीने आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं आपके लिए प्रेम जीवन के लिए कैसे स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। कन्या राशि वाले जातकों, अक्टूबर के महीने में प्रेम जीवन आपका काफ़ी शानदार रहने वाला है। चूंकि राहु आपके नवम हाउस में रहने वाले हैं, इसे जीवन साथी से आपको करियर की दिशा में श्रेष्ठ लाभ तो प्राप्त होगा ही। साथ में यदि आप शादीशुदा हैं तो इसमें स्थितियां काफ़ी श्रेष्ठ और सुखद बनेंगी। और यदि पुराने समय से मन मुटाव का सामना भी करना पड़ रहा था तो उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। वहीं इस समयावधि में जो कन्या राशि के जातक हैं, वहीं उनके संतान की प्राप्ति की संभावना उनको जीवन में बनती हुई नजर आ रही है। दाम्पत्य जीवन में जो जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए अगर बात की जाए आपके जीवन में एजुकेशन फील्ड में कैसे स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है, तो एजुकेशन फील्ड में जो जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए स्थितियां काफ़ी श्रेष्ठ और शुभ रहने वाली है। आपका ध्यान एकाग्र रहेगा और यदि पुराने समय से मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा था तो उससे निजात आपको अक्टूबर और नवम्बर के महीने में देखने के लिए मिलेगी। इस समय अवधि में अगर बात की जाए पारिवारिक जीवन के लिए कैसे स्थितियां रहने वाली है, तो कन्या राशि वाले जातकों, परिवार के सदस्यों के साथ स्थितियां काफ़ी श्रेष्ठ रहेंगी। केतु आपके थर्ड हाउस में रहने वाले हैं, इसलिए आपका धार्मिक कार्यों में काफ़ी रुझान बढ़ेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि उत्पन्न हो सकती है। और इस समय अवधि में आपको भवन का सुख प्राप्त हो सकता है। वाहन खरीदने की योजना आप अक्टूबर के महीने में बना सकते हैं, वाहन का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं परिवार के सदस्यों से स्थितियां काफ़ी श्रेष्ठ रहेंगी, सदस्यों का सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, माता पिता का सहयोग भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इस समय अवधि में परिवार के लिए आप धन का व्यर्थ रूप में आर्थिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा व्यय करते हुए भी नजर आएंगे। इससे स्थितियाँ आपके जीवन में काफ़ी प्रतिकूल हो सकती हैं। धन का सोच समझ के व्यय करना आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। आइए बात करते हैं कन्या राशि के लिए दोनों महीने काफ़ी श्रेष्ठ और शुभ हैं, तो कुछ फील्ड में आपको सावधान और सतर्क होकर चलने की आवश्यकता होगी, जिस पर आप ध्यान आप जरूर दें। इस समयावधि में इन दोनों महीनों में कन्या राशि को भावनात्मक, चूँकि भावना के आवेश में कोई बड़ा वचन लेने से या किसी भी व्यक्ति को कोई बड़ा कमिटमेंट करने से जरूर बचने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर जो कन्या राशि के जातक हैं, इन दोनों महीनों में किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा करने से जरूर बचने की आवश्यकता होगी। समय प्रबंधन पर पूर्ण रूप में फोकस्ड होकर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि घूमने फिरने की आदत के कारण और मौज मस्ती के कारण कन्या राशि के जातकों का समय का बिल्कुल भी आभास नहीं होता, इसलिए कार्यों को डिले भी करते हैं। इसलिए जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रायोरिटी अपने कार्यों को दें और अत्यधिक समय का जाया करना आपके लिए श्रेष्ठ नहीं रहने वाला है, क्योंकि भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए इस समय प्रबंधन पर भी फोकस्ड होकर चलें। आइए बात करते हैं इन दोनों महीनों में आपके लिए कुछ धार्मिक उपाय के बारे में। सबसे पहले 17 अक्टूबर 2020 को शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, तो इस दिन कन्या राशि के जो जातक हैं उनको 9 दिवस तक माता की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। आप लाल वस्त्र धारण करके विधि पूर्वक आप माँ की आराधना करें और एक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। इस मंत्र का आप 108 बार ज़्यादा से ज़्यादा आपको जप करना काफ़ी श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। ये आपकी सभी बाधाओं को हरने के लिए समर्थ है। ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन ध्यान सुता विन्तु मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य तन तन संशयाय। यह मंत्र है, यदि आपको यह मंत्र याद ना हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान सुता विन्तु मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य तन संशय। वहीं 25 अक्टूबर 2020 को विजयादशमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र की आराधना करना और राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है।
यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए काफी श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। गरीब और असहाय व्यक्ति को यथा उचित दान करना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।